तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, दीपावली आने वाली है और यहाँ पे दिया बनने की तैयारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे कुछ दिया बने भी हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी ये सूखेंगे, थोड़े गीले हैं। और यहाँ देखिए, इस तरीके से दिया बनाया जाता है। अब इसे गोल गोल घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी चक्की को घुमा के दिए को शेप देते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आ रहा है। कितने सालों से कर रहे हैं काम? बोला तो काम से काम आप 20 साल हो गया। तो इनको 20 साल हो चुका है ये काम करते हुए, तो एक्सपीरियंस है इनको। तो फ्रेंड्स, अभी इसको घुमाते घुमाते जब ये तेज हो जाएगा, तब इसको दिए को शेप देंगे। और दिए एक एक कटते जाएंगे सामने से, देखना। ये देखिए फ्रेंड्स, दिए के शेप आ गया। अब इसे अलग कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे दिए बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखो, शेप आ रहा है बहुत ही अच्छा दिए का। क्या है आपका नाम? गोकुल चक्रधारी। गोकुल चक्रधारी। और कौन सा एरिया है ये? सरस्वती नगर। तो दिया को शेप देने के लिए हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है, और हाथ की सफाई जब तक नहीं रहेगी, तब तक दिया को शेप नहीं दे पाते, अच्छे से नहीं दे सकते। तो इसको शेप देने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और इनको एक्सपीरियंस है। ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा दिया बना पा रहे हैं ये। और इस चक्की को चलाना भी मेहनत वाला काम है, हर कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, कुम्हार की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाएं और इस दिवाली को खुशी से मनाएं और अपने घर को मिट्टी के दिए से रोशन करें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे माता लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई जा रही है, और वहाँ पे हमने दिखाया आपको वो हाथ से वाली चक्की थी, और ये इलेक्ट्रिक चक्की है जो मैकेनिकल चलती है मोटर से। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दिए बन रहे हैं इस इलेक्ट्रिक चक्की से। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा तैयार हो रही है यहाँ पे माता लक्ष्मी जी की। नाम क्या है आपका? बबला चक्रधारी। हाँ, तो कितने सालों से कर रहे काम? 40 साल हो गए। 40 साल से कर रहे काम। तो इसी तरह से बनाते हैं, पहले मिट्टी का ढेला, उसके बाद इस पे रखते हैं, और उसके बाद दिए को शेप देते हैं। फिर यहाँ से एक एक दिया काटते हुए निकाल लेते हैं, फिर इसे सुखाएंगे। और पेंट करना हो तो पेंट भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसा हमारा दिया तैयार होता है, जिसे हम दीपावली में बहुत ही अच्छे प्रक्रिया से जलाते हैं और हर घर में रोशनी फैलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बनते हैं मिट्टी के दिए जो हम घर में जलाते हैं। और मैं यही कामना करूंगा कि हम इस साल भी मिट्टी के दिए जलाएं और इनके घरों को भी रोशनी से भर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।